लॉगरिथम्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के बेस वाले। देर आर टू बेसिस ऑफ लॉगरिथम्स दैट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड दिस डेज। वन इज नेचुरल लॉगरिथम्स। द नेचुरल लॉगरिथम्स मीन द लॉगरिथम्स टू द बेस ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.71828, या वी कैन से दिस इज 2.72 अप्रोक्सीमेटली, आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स। एंड कॉमन लॉगरिथम्स, द लॉगरिथम्स टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स। जिसमें बेस 10 हो वो कॉमन लॉगरिथम्स, और जिसमें बेस ई हो दैट इज नेचुरल लॉगरिथम्स। और इसको दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एन, नेचुरल लॉगरिथम्स। एंड इन केस ऑफ कॉमन लॉगरिथम्स वी कैन सिंपली राइट दिस एज लॉग ऑफ एन, बिना बेस लिखे हुए भी। अगर बेस नहीं दिया हुआ इसका मतलब है, इसका मतलब ही कॉमन लॉगरिथम्स है, दैट मीन्स इट्स बेस इज 10। तो हम यहाँ बिना बेस के भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। इस चैप्टर में हम कॉमन लॉगरिथम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स वी हैव लॉग ऑफ 10 रेस्ट फॉर एन कैन रिटन एज एन लॉग 10 या इज इक्वल टू एन, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉग 10। लॉग 10 मीन्स लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस लॉग ऑफ 10 जस्ट टू एन, सिंपली हम इसको एन लिख सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स आर लॉग ऑफ 0.001, और इसको लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, आई कैन राइट दिस इज 1/1000। पॉइंट के बाद एक दो तीन प्लेसेस हैं तो उतनी जीरो लगी, एंड दिस कैन रिटन एज लॉग ऑफ 1/10^3, एंड दिस कैन रिटन एज लॉग ऑफ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर को तो बन जाएगा 10^-3, एंड दिस इज इक्वल टू -3 log 10। और ये भी पढ़ा हमने कि log 10 इज इक्वल टू 1, दैट इज -3 × 1, एंड दिस इज इक्वल टू -3। सिमिलरली इसी तरह से लॉग ऑफ 0.01 कैन रिटन एज -2, यू कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ 10^-2, एंड दिस इज इक्वल टू -2। लॉग ऑफ 0.1 कैन रिटन एज लॉग ऑफ 10^-1, दिस इज -1। लॉग ऑफ 1 that can be written as log of 10 raised for 0 and that is equal to 0. Log of 10 can be written as log of 10 raised for 1 which is equal to 1. Log of 100 can be written as log of 10 raised for 2 and that is equal to 2. So, हम देख रहे हैं अगर ये 10 के पावर्स के रूप में लिखे जाएं तो इनका लॉग निकालना बहुत आसान है। 10 जैसे इसका निकाल लिया हमने, इनका निकाला, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर ये इसकी इंटेग्रल पावर के रूप में नहीं आएगा देन इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, और उसके लिए फिर हम लॉग टेबल्स की सहायता लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसको 10 के पावर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स यूज करने से पहले हम एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी अगर इस तरह का आपके पास नंबर दिया होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑपरेशन, एनी नंबर इन डेसिमल फॉर्म। As the product of number 1 and integral power of 10
and number B to a number between 1 and 10. For example, 32.4. This lies between 10 and 100. This lies between 10 and 100. I can write this as 32.4 is equal to. I want this decimal to be here. इस दशमलव को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ. तो मैं अगर एक 10 करूँगा तो 10 से एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. लेकिन मैंने अपने में से डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो दिस विल कम. अब ए इधर बन जाएगा 3.24 इंटू 10 एंड आई कैन राइट दिस एज 10^1. हमारा मेन मकसद रहेगा ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10. इफ दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10 एन इंटीग्रल पावर ऑफ 10 और एक 10 की पावर के रूप में आना चाहिए. मान ली एक और करते हैं हम. सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज 1005.6. वी नो दैट दिस लाइज बिटवीन 1000 and 10000. इसके बीच में लाई कर रहा है. हम इसको भी इसी रूप में लिखेंगे. दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 1005.6 डिवाइड बाई. मैं चाह रहा हूं कि ये डेसिमल यहां पहुंच जाए. एक स्थान के बाद होना चाहिए. तो ये 1, 2, 3 प्लेसेस आगे जाएगा. तो यहां हमें 3 इससे डिवाइड करना पड़ेगा और इससे ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. अब यहां से 1, 2, 3 प्लेसेस आपका डेसिमल पहुंच जाएगा यहां. दिस विल कम 1.0056 इंटू 10^3. तो देखिए इसको भी हमने इससे ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10 ए नंबर 1 एंड 10 के बीच में आ गया एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस तरह से आ गया. मान ली एक और पार्ट करता हूं मैं इसका. एंड दिस इज 0.006. अब दिस नंबर लाइज बिटवीन 0.001 टू 0.01. इसके बीच में लाई कर रहा है. इसको भी हम इस तरह से लिखना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि ये डेसिमल जो है वो एक स्थान के बाद इसके बाद आए, एक नॉन जीरो नंबर के बाद आए. तो हमें 1, 2, 3 स्थान आगे ले जाना पड़ेगा. तो दिस इज 0.006 डिवाइड बाई. अब मुझे जरूरत है इसको 3 स्थान आगे ले जाने की. 1 इधर. तो इतने से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट यहां पहुंच जाएगा. दिस विल कम 6.0. अब इनसे मल्टीप्लाई कर दी. ये नीचे वाला रह गया ऐसे. आई कैन राइट दिस एज 10^3. दिस इज 6.0 एंड 10^-3. क्लियर. जो नंबर्स थे 1 से बड़े थे उनमें हमने डेसिमल को इस तरफ मूव किया. लेकिन जो 1 से छोटे हैं पॉइंट के बाद 0.0 लग रहा है उनमें हमने डेसिमल को उस तरफ मूव किया. तो जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है जितने प्लेसेस भी करेंगे. और जब हम डेसिमल हमारा राइट हैंड साइड को जाएगा जितने प्लेसेस जाएगा उतनी उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी. तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि एनी पॉजिटिव डेसिमल कैन रिटन इन द फॉर्म एज एज एन इज इक्वल टू एम इंटू 10^p. इस रूप में लिखा जा सकता है कोई भी नंबर. जैसे ये सारे हमने नीचे लिखे कोई भी नंबर है उसको m और इंटू 10^p के रूप में लिखा जाता है. वेयर p इज एन इंटीजर एंड
m is 1 less than equal to this is less than 10. और ये जो m नंबर आएगा ये एक या एक से लेकर के 10 के बीच में, इसके बीच में इसकी वैल्यू आएगी 1 to 10 के बीच में. This is called as the standard form of decimal n. This is called the standard form of decimal n. तो हम हर एक नंबर को इस रूप में लिखना चाहेंगे, इससे हमारी जो लॉगरिथम निकालने को बहुत इजी हो जाएगा. जैसे मान लीजिए सपोज हम लिखते हैं कि 4362 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमें. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक m नंबर निकालेंगे हम, और m 1 और 10 के बीच में लाई करेगा इनटू 10 रेस्ट ऑफ p के रूप में. मींस हमारा जो डेसिमल है अभी इस वक्त इसके बाद है, क्योंकि पूरा नंबर है, मींस डेसिमल इसके बाद है. तो डेसिमल हमारा चल के पहुंचेगा 1 2 3, इधर आएगा इस पॉइंट पे. तो वी कैन राइट दिस एज 62 upon 1000 into 1000. 1 2 3 इसने यहां पहुंचा दिया, दैट इज 4.362 into 10 raised for 1 to 3. इस रूप में इस नंबर को सपोज एक और करते हैं, एंड दिस इज 0.06582. अब हमारा डेसिमल पॉइंट इसके बाद आना चाहिए 6 के बाद, तो मीन 2 पॉइंट हम आगे जा रहे हैं. तो दैट मीन 0.06582 यहां पहुंचाना हमें डेसिमल, सॉरी 0 यहां, तो यहां और यहां ये 0 आ गया. इन 0, ये दो 0 जो है इसको यहां पहुंचा देंगे, दैट इज 6.582. और ये जो है 10^2 बनेगा, ऊपर आएगा तो 10^-2 हो जाएगा. अगर मान लिया आपके पास 7 आ जाता अकेला, 7 कैसे लिखेंगे इसको? वी कैन राइट दिस एज 7.0 इंटू 10^0, दैट मीन 7 into 1. You can write this as 7 into 1. So 7 can be written as 7.0 into 10 raised to 0. Anything raised to 0 is 1. Therefore, we can write this as 7.0 into 10 raised to 0. So, this is the standard form. Change karte hum.